और सामने मामू खड़े थे, आई मीन पुलिस खड़े थे। पीछे गेट खुला हुआ लगा लीजिए। ये भूखड़ इंसान, सबसे बड़ा भूखड़ इंसान है, देखिए इसको। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। मैं हूँ जयंत, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। निकले हुए धनबाद के लिए, कुछ काम है और चेरी में भी कुछ मतलब काम करवाना है, तो सोचे कि चलो यार ब्लॉग व्लॉग बनाया जाए। और अभी हम लोग यहाँ अपने घर के पास मार्केट के पास फुटकी से निकल रहे हैं। अरे यार ये ठेला वाला भी ना, दिन के बाद चेरी को चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है यार। लेट्स गो बेबी। अरे भाई इतना जाम किस लिए है? कुछ अच्छा, धीरे धीरे टो 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 टो। कितना उसका बीच में मत आना भाई। जो चैनल पर नए पर जाए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को दबाओ ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंचे। मौसम भी बहुत अच्छा है, इतना सेक्सी मौसम है कि इसमें रील भी शूट करने का मज़ा ही कुछ अलग है यार। ऐसा ही मौसम रहे तो मज़ा भी आता है, ज़्यादा धूप भी नहीं है मतलब, और गर्मी भी ज़्यादा नहीं लग रहा। वैसे तो अभी ठंडा का मौसम आ ही रहा है, सबसे बेस्ट मेरे को ठंडा का मौसम ही लगता है, टेंशन नहीं रहता यार ज़्यादा। हमेशा घर में रहो, पूरे कपड़े से ढके रहो, सबसे सेक्सी लगता है वाला मौसम मेरे को। बरसात बहुत ही बेकार है यार, गाड़ी वाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आगे की राइड आपको वीडियो में बने रहो, पता चलेगा राइड में क्या क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ पता चलेगा। UK 07 राइडर बाबू भैया भी अभी उनके साथ पहुँच गया, मैंने उनको मैसेज भी किया था कि भैया आप धनबाद आ जाओ यार, क्योंकि वो मेरे इंस्पिरेशन है यार। मैंने मोटोब्लॉग उन्हीं को देखकर स्टार्ट किया था, तो अगर वो यहाँ पे आएंगे तो मैं ज़रूर मिलूँगा उनसे। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे यार वो, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि कोई क्रिएटर बड़ा बन जाता है तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, बट उन्होंने मेरा मैसेज का रिप्लाई भी किया। क्योंकि देख एक्चुअली बात ये है ना कि उतने बड़े क्रिएटर है तो मैसेज वैसेज कमेंट जाता है, तो फिर बहुत सारे मैसेजेज जाते हैं, तो उनको भी वो चीज़ इग्नोर करना ही पड़ता है एक सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि उतना मैसेज का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है गाइस, आप भी जानते हो। तो उनका भी कुछ गलती नहीं है इस चीज़ में, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। मैंने मिला नहीं हूँ लेकिन फिर भी जान रहा हूँ कि बहुत अच्छे हैं वो दिल के। अरे भाई ऐसा बात है क्या? गाड़ी देखते गाड़ी कुछ ज़्यादा ही धुआं मारा लग रहा है, मोबिल उबिल फिर नहीं किया ना कहा यार, इतना बहुत ज़्यादा ही धुआं मारा। और पीछे का उसका गेट भी खुला हुआ है यार, बोल देना पड़ेगा यार, हेल्प फोन देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिक्कत है, गेट खुला हुआ नहीं। क्या गेट खुला हुआ लगा लीजिए यार, लग रहा गेट में कुछ प्रॉब्लम है गाइस, देखते हैं गेट खुला हुआ ध्यान नहीं दे रहा। ये लोग को भलाई करना ही नहीं यार, भलाई करते फिर ये लोग सुनने, ये नहीं कि गाड़ी थोड़ा सा स्टॉप करके अपना गेट लगा ले, बट ये लोग सुनता ही नहीं। आम पब्लिक को इससे दिक्कत होता है गाइस। इधर से कहाँ जा, इधर जाना है? अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी से जाना है तो फिर ये, अरे यार इतना बड़ा ट्रक को घुमाने में भी कितना प्रॉब्लम होता है यार। और सामने मामू खड़े थे, आई मीन पुलिस खड़े थे, मैंने तो कोई, मेरे को कोई टेंशन है नहीं, हम लोग का गाड़ी का सब कुछ ओके है, और मेरा DL भी है, लेकिन हम लोग को इधर से शॉर्टकट लेना पड़ा बिकॉज हम लोग का काम इधर था, इस वजह से शॉर्टकट ले लिए। गाइस अभी हम लोग शॉर्टकट से होके धनसार मोड़ निकल गए हैं, बिकॉज हम लोगों को KTM के शोरूम में काम है, इसी वजह से हम निकल गए यार। KTM शोरूम का गजब नहीं कर दिया, कंजड़ जैसा, अजीब पूरा बोल्ड हटा के कंजड़ जैसा नहीं कर दिया बना रहा है। गाइस देख सकते हैं मेरी ड्रीम गाड़ी का शोरूम पूरा कबाड़ा कर दिया जी, तो लग रहा अच्छे से बना रहा है। किधर से उतारे? उधर से सेक्सी लगता है, इंडिकेटर ऑफ कर दीजिएगा। तो गाइस गाड़ी में कुछ काम वाम भी कराना है तो देखते हैं, यहाँ एक खास को वरना खड़ी है, देख सकते हैं एक्सीडेंट हुआ लग रहा है। कितना नंबर में नंबर चेंज नहीं है? ओह गाइज, हम लोग जो आए हैं KTM का शोरूम, आपको पता होगा, और हम लोग का काम अभी अप्रॉक्स हो ही गया है,
अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, भैया को शूज़ भी लेना है कुछ ट्रेनिंग के लिए, निकलेंगे। देखिए गाड़ी का काम थोड़ा सा बचा हुआ, बस यहाँ पे स्प्रेइंग हो रहा है, मतलब आ रहे हैं क्योंकि बहुत गंदा डस्ट बैठ गया, क्योंकि अभी चेरी को वॉश भी करना है और उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर 9:02:11। तो फिर कंटिन्यू ब्लॉग को बने रहो आप। काम हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं, उनको शूज़ लेना है कुछ, तो चला कर देख रहे हैं कि गाड़ी कैसा चल रहा है, कैसे ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ से यहाँ पे हम लोग को शूज लेना है। तो गाइस अभी हम लोग शू लेने आए थे, बट शू हम लोग को पसंद नहीं आया क्योंकि क्वालिटी भी बहुत खराब था, रेट बहुत ज्यादा था। और अभी हम लोग स्पेंसर के बाहर में अंदर में बाटा का शोरूम था, तो हम लोग गए थे तो पसंद नहीं आया, यहाँ पे भी बोला कि अवेलेबल नहीं है। तो अभी फिलहाल हम लोग को लग गया भूख गाइस, और अभी हम लोग चिकन रोल बना रहे थे। देखिए रॉकी भैया, ये भूखड़ इंसान, सबसे बड़ा भूखड़ इंसान है, देखिए इसको। आपको क्या खाना है? चिकन रोल खाना है। दीपावली आ रहा, पर्व त्यौहार में चिकन रोल, थोड़ा तो कभी पाल लिया कीजिए जी, कैसे करते हैं? पालिए रहे हैं गाइस। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे खाएंगे चिकन रोल, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं ब्लॉग को, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहो। तो चैनल पर नया जाकर उनको सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को दबाओ, भाई को सपोर्ट करो। तो गाइस हम लोग का चिकन रोल आ चुका है, अभी हम लोग पूरा खा रहे हैं दबा के, पूरा कब से भूख लगा होता है। रॉकी भी अभी खा रहे हैं, पूरा शर्मा रहे, पता नहीं कहा है, तो जो खा लेते उसका चीज़ें दिखाते हैं। इंडिकेटर चल रहा है भाई, देख सकते हैं चेरी मस्त चमक रहा है, नहा लिया आज बहुत दिन के बाद, गंदा लड़का उसको नहलाता नहीं है, क्या करेगा। लेकिन अब नहाने के बाद कितना फ्रेश लग रहा है गाइस, देख सकते हैं खतरनाक भाई, बहुत मेहनत करता है लेकिन इस गाड़ी के पीछे, इसीलिए इसी के पास धोलाने आते हैं हम लोग हमेशा।